इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लाइज यूनियन ने सोमवार को कार्यालय अधिशासी अभियंता ड्रेनेज खंड पर एम्प्लाइज यूनियन के कर्मचारियों के उत्पीड़न के विरोध में धरना दिया। यूनियन के संरक्षक शिवानंद श्रीवास्तव ने बताया कि अधिशासी अभियंता के क्रियाकलापों से दुखी होकर ये धरना दिया जा रहा है। अधिशासी अभियंता के द्वारा अवैध नियुक्तियां की गई हैं और पात्र कर्मचारियों को निकाला गया है। धरने में विवेकानंद पांडे, सुनील श्रीवास्तव, महेंद्र भारद्वाज, सीताराम वर्मा, विवेकानंद पांडे, सुनील श्रीवास्तव, महेंद्र भारद्वाजमा, संजय शर्मा, इंद्रेश गौड़, अनुप शर्मा सहित भारी संख्या में एम्प्लाइज यूनियन के कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए इरीगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लाइज यूनियन के संरक्षक शिवानंद श्रीवास्तव ने कहा, मैं शिवानंद श्रीवास्तव, कार्यवाहक अध्यक्ष उत्तर प्रदेश इरिगेशन डिपार्टमेंट एम्प्लॉय यूनियन। हम ये ड्रेनेज खंड गोरखपुर अधिशासी अभियंता कार्यालय से धरना दे रहे हैं और यह धरना अधिशासी अभियंता के क्रियाकलापों पर दुखी होकर के कर्मचारी आए हुए हैं। सिर्फ कहना यह है कि जो सच है, हाई कोर्ट जो बोल रहा है, जिसके तहत इनको आना है, वह आप लिख करके मुख्यमंत्री गंडक को दीजिए। आज आप ये लिख करके देने में परेशान हैं, क्योंकि ये बात इसलिए भी सही है कि अगर ये देते हैं तो ये खुद फंसते हैं, क्योंकि अवैध नियुक्तियाँ की हुई हैं और इनको निकाला गया। कोर्ट ने इसी को लिया कि जब ये आपके विभाग में थे तो बाहर से नियुक्तियाँ क्यों की गई, और ये नियुक्तियाँ इन्होंने की हुई है। और मैं ये चाह रहा हूँ कि आप जो बोनस पाए हुए कर्मचारी हैं उनकी सूची सहित भेज दीजिए, जो 266 की सूची है उसको भेज दीजिए, उसके साथ लिखिए आप कि पूर्व में ये कार्रवाई इस पर हुई है। आपको तो कुछ करना ही नहीं है, करना तो है चीफ इंजीनियर गंडक को, लेकिन ये आख्या गलत आप भेज रहे हैं। अब आप बताइए, इन कर्मचारियों की उम्र लिख रहे हैं कि उम्र इनकी क्या थी, तो उम्र इनकी ये थी, किसी को 9 साल दिखा रहे हो, किसी को 10 साल दिखा रहे हो, 12 साल दिखा रहे हो, या 9 साल के बच्चे को आपको दिखाना चाहूँगा। ये हैं अभी 9 साल के बच्चे हैं, बताइए आप। तो ये है स्थिति, आप सही सही सूचना भेजो, आपसे कोई मतलब नहीं, आप तो नियुक्ति कर ही नहीं सकते। आप कल चीफ इंजीनियर गंडक को भेजिए, हम वहाँ बैठेंगे। 267 लोग, और उसमें नियुक्तियाँ तो इतनी हो गई हैं कि करीब 1000 से ऊपर की नियुक्तियाँ हैं कर रहे फर्जी ढंग से, और रिकॉर्ड है हमारे पास, विदाउट रिकॉर्ड में नहीं बोल रहा हूँ, आपको रिकॉर्ड में दे दूंगा।